Hello dear students, this is Ajaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we are continuing our 6th lecture. It is our 6th lecture today on Science 2, Chapter number 1, Heredity and Evolution. We in the previous lecture discussed about the theory of evolution propounded by given by Charles Darwin. Charles Darwin said that there was a unicellular organism formed about 300 crore years ago. 300 crore saal pehle, one living organism was formed and it was a unicellular organism. And from that unicellular organism, various generations were born. And bahut sari after generation, thode thode changes hote gaye. Aur simple organism se dheere dheere complicated, complex organisms bante gaye. Jaise mobile phone mein 1G, 2G, 3G, 4G aur aajkal 5G ki baat chal rahi hai. Similarly, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी ऐसा हुआ, चार्ल्स डार्विन ने कहा. और पूरी दुनिया में कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय और ह्यूमन बीइंग्स, मंकी, डोंकी, आम का पेड़, नीम का पेड़, जाम का पेड़, मौसमी का पेड़, संतरा का पेड़, ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बिकॉज ऑल हैव बीन बॉर्न फ्रॉम दैट सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि एक यूनिसेल्यूलर सेल था, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था, उसी से पूरे दुनिया के सब जनरेशन आफ्टर जनरेशन सब एनिमल्स उसी से पैदा हुए और सभी प्लांट्स उसी से पैदा हुए. तो लोगों ने कहा क्या नाप शनाप बक रहे हो, क्या एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की जनरेशन है ये सब, कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ने सब गाय भैंस ह्यूमन बींग्स मंकी डोंकी और आम जाम संतरा मौसमी सब नीम पेड़ सबको एक ही ने पैदा किया, कि एक ही सेल से सब बन गए. तो उसने कहा हाँ, इट वॉज अगेंस्ट द बाइबल ऑल्सो, इट वॉज अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन्स, सभी धर्मों के अगेंस्ट में ये थियरी दी गई है और बहुत सारे लोगों ने इसको मान भी लिया. और देखो थियरी में चार्ल्स डार्विन ने प्रूफ्स क्या क्या दिया. चार्ल्स डार्विन ने कहा कॉमन एंसेस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया. कॉमन एंसेस्ट्री यानी पूरे प्लांट्स और पूरे एनिमल्स के मम्मी पापा, पूरे प्लांट्स और पूरे एनिमल्स कैसे बने, तो एक सिंगल सेल से बने. और वो सिंगल सेल कैसे बना था, तो समुंदर में कुछ और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, वो केमिकल्स आपस में कंबाइन हुए, उससे प्रोटीन बना, प्रोटीन से डीएनए बना. हालांकि और डीएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से डीएनए बनता है. तो कहा कि डीएनए बना और फिर आसपास के और केमिकल्स जमा हो गए और फिर वो सेल का साइटोप्लाज्म बन गया और वो सेल में बिजली कड़कने से लाइफ आ गई. ठीक है. और फिर उन्होंने उस चार्ल्स डार्विन ने उसके 6 प्रूफ्स दिया. उनमें से पहला प्रूफ है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस मीन्स प्रूफ एंड मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है. सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल विजिबल अपीयरेंस. ऊपर से देखने में कैसे दिखाई देते हैं उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी यानी ऊपर से देखने में कैसे दिखाई देते हैं. तो इस एविडेंस में चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो क्वाड्रप्ट एनिमल्स है, जो फोर लेग्ड एनिमल्स ऑल द फोर लेग्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, काउ, हॉर्स, डॉग, ईटीसी एटसेट्रा, जितने भी चार पैर वाले एनिमल्स है बोले, सब लोगों का में सिमिलैरिटी क्या है, सबका नॉस्ट्रिल का पोजीशन सेम है बोले. नॉस्ट्रिल यानी नाक के नथुने, नाक के होल्स. आपने देखिए घोड़े का भी स्नाउट होता है, घोड़े के भी नाक का पोजीशन आपको मालूम है. ठीक है. ही सेड पोजीशन ऑफ नॉस्ट्रिल्स, सबकी, शेर की, सिंह की, और सिंह, शेर, गाय, घोड़ा, डॉग, कैट, इन सब का नॉस्ट्रिल का पोजीशन, नाक का पोजीशन आपने देखा, नाक के जो होल्स होते वो सामने की तरफ होते हैं. ऐसा क्यों है बोले, क्योंकि बोले ये सब एक ही एनिमल से पैदा हुए हैं. इनके जो मम्मी पापा है बोले, वो इनके जो मम्मी है वो एक ही है बोले. लेकिन ऐसा नहीं कहा कि एकदम एक ही मम्मी थे और एक ही मम्मी को शेर, चीता, भालू सब पैदा हो गए एकदम से. नो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जिसमें जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है उसके पूर्वज, उसके एंसेस्टर उतने ज्यादा करीब है. ठीक है. ये एकदम सगे भाई बहन नहीं है ये एनिमल्स,
ये कैसे, ये उसके चाचा का लड़का है, उसके मामा का लड़का है, ये उसका, ऐसा दूर 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 करते करते हुआ। तो सबके मम्मी पापा पीछे 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 पीछे, लायन के दादा के दादा के दादा, टाइगर के दादा के दादा के दादा, हॉर्स के दादा के दादा के दादा, और कैट के, काउ के दादा के दादा दादा के दादा, ढूंढते ढूंढते जब जनरेशन जनरेशन पीछे जाएंगे तो आखिरी में बैक हिस्ट्री में हम पहुंच जाएंगे। तो आखिरी में जाके ये जनरेशन कहाँ खत्म होंगी, पता चलेगा कि एक ही सिंगल सेल था, उसी से डिफरेंट एनिमल्स पैदा हुए। लेकिन एकदम से सब पैदा नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ कि एक सिंगल सेल था और उस सिंगल सेल में से काउ निकल गई, भैंस निकल गई और डॉग निकल गया, ऐसा नहीं हुआ। एक एनिमल से दूसरे पैदा हुए, फिर उसमें थोड़े चेंजेस आए, फिर और चेंजेस आते गए, फिर और चेंजेस आते गए, चेंजेस आते आते उसने कहा कि एक ही एनिमल पैदा हुआ था। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, वो यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म को एक ही चार पैर वाला एनिमल पैदा हुआ था, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी डायरेक्ट नहीं हुआ था, वो भी यूनिसेलुलर वाले ने मल्टी सेलुलर को जन्म दिया था, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसने क्या किया बहुत सारे यूनिसेलुलर को जन्म दिया और ये कॉम्प्लिकेटेड डिफेक्ट में लपेटे हुए, ये मल्टी सेलुलर को जन्म दे दिया। क्यों, म्यूटेशन, इसके डीएनए में चेंज आ गया था तो गलती से मल्टी सेलुलर पैदा हो गया। ये यूनिसेलुलर वाले को यूनिसेलुलर पैदा होना चाहिए तो मल्टी सेलुलर पैदा हो गया। अब ये मल्टी सेलुलर वाले ने क्या किया, इसने भी दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पैदा किए, कितने सर्कल्स है, एक दो तीन चार पाँच, तो इसने एक बच्चा मल्टी सेलुलर वाले पाँच सर्कल वाला पैदा किया और दूसरा पाँच सर्कल वाला दो तीन चार पाँच ऐसा पैदा हो गया। लेकिन एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया, इसको इसमें भी म्यूटेशन हो गया, एक बच्चा नए वैरायटी का गोलू पैदा हो गया, ये ऐसा गोल, बाकी बच्चे लंबे लंबे पैदा हो रहे, एक बच्चा गोल हो गया। फिर ये गोल वाले ने क्या किया, इसके भी बच्चे गोल पैदा हुए, ये देखो कुछ बच्चे गोल पैदा हुए, ये पहला बेटा, कहानी समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा गोल फोन कुछ नहीं है, ये गोल, ठीक है। लेकिन एक नया वैरायटी का बच्चा पैदा हो गया और वो कैसा था, वो दिखने में ऐसा था, चार पैर वाला, इसके बॉडी में म्यूटेशन हो गया तो ये नया ही वैरायटी पैदा होगी। देखो सिंगल सेल वाले ने बहुत सारे सिंगल सेल वाले पैदा किया, ये उस जैसे है लेकिन ये नकीतर नया पैदा हो गया, और ये वाले उस जैसे है लेकिन ये भारी केस पैदा हो गया अलग, ये इसने सबको अलग जन्म दिया लेकिन ये नई वैरायटी पैदा होगी। अब ये नई वैरायटी वाले ने क्या किया, इसके बच्चे पैदा हुए, तो इसके बच्चे कैसे पैदा हुए, इसके बच्चे पैदा हुए उस जैसे दिखने वाले, पूछ पूछ ऐसे पैदा हुए। लेकिन एकाध बच्चा जो है वो हाइट में बहुत लंबा पैदा हो गया तो कैमल बन गया, हाइट में बहुत लंबा पैदा हो तो कैमल बन गया। फिर और कुछ दूसरे बच्चों को भी जन्म दिया था इसने, तो कुछ बच्चों को ऐसे पैदा हुए कि हाइट में छोटे छोटे है, तो कुत्ता बिल्ली बन गए छोटे छोटे एनिमल्स। यानी एक एनिमल से चेंजेस होते होते जनरेशन जनरेशन जनरेशन, ये देखो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो ऐसी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन जनरेशन बीतती गई और नए नए वैरायटी का, हर जनरेशन में कोई ना कोई नई वैरायटी पैदा होती थी, हर जनरेशन में कोई ना कोई नई वैरायटी पैदा होती थी। ऐसे वैरायटी वैरायटी करते करते एक लायन की वैरायटी के पैदा हो गए, फिर कोई जनरेशन में टाइगर की वैरायटी के एनिमल्स पैदा हो गए, फिर किसी जनरेशन में गाय जैसे एनिमल्स पैदा हो गए, किसी जनरेशन में हॉर्स जैसा नया वैरायटी का पैदा हो गया, किसी जनरेशन में डॉग जैसा नया वैरायटी का एनिमल पैदा हो गया। तो हर जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए और कुछ ना कुछ नया नया एनिमल बनता गया, लेकिन सबका नाक का पोजिशन एक जैसा है। इससे पता चलता कि भले ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनमें चेंजेस होते गए, एनिमल दूसरे दूसरे बनते गए, लेकिन नाक का पोजीशन सबका सेम है। नाक, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, इनकी नाक देखो सबके सामने रहती है। तो इससे पता चलता है बोले कि ये सबका कहीं ना कहीं खानदान जाके एक जगह मिलता है, ठीक है। दूसरा पोजीशन ऑफ आईज, सबकी आंखें देखो, घोड़े की आंखें साइड में रहती, इधर और इधर रहती, आपने देखे होंगे हॉर्स, फिर कुत्ते की आंखें साइड में रहती, ठीक है, उसके बाद काउ गाय की आंखें साइड में रहती है, ठीक है। तो बोले इन सबकी आंखें की पोजीशन एक जैसी क्यों है, बोले क्योंकि ये सगे संबंधी है, बोले ये इनका रिश्ता कहीं ना कहीं इन लोगों में आपस में रिश्ता है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है और कैसे बना, ये एक अलग बात है, बोले ये लंबी कहानी है। ये कहानी 300 करोड़ साल पहले की है, बोले 3 करोड़ नहीं 300 करोड़ साल पहले की कहानी है, बोले
तो ये पूरी डिटेल इसकी अभी अवेलेबल नहीं है। फिर नॉस्ट्रिल, आई इसकी पोजीशन, स्नाउट, स्नाउट यानी अपना चेहरा ह्यूमन बीइंग्स का अलग है लेकिन इनका चेहरा अलग रहता है। घोड़े का चेहरा लंबा रहता, चेहरा लंबा रहता, कुत्ते का चेहरा लंबा रहता, ठीक है, गाय का चेहरा लंबा रहता, टाइगर का चेहरा लंबा रहता लगभग नियरली। तो इनके चेहरे लंबे लंबे की वजह, स्नाउट का मतलब समझते हो ना, कोई एनिमल का ऐसा जो मुंह रहता ना, ऐसे चेहरे को, दिस इस शेप को स्नाउट बोलते हैं। ऐसा तो आपने देखिए, गाय का भी चेहरा ऐसा रहता, भैंस का चेहरा ऐसा रहता, घोड़े का ऐसा रहता, काऊ का ऐसा रहता है और डॉग का ऐसा रहता। तो बोले क्यों है ऐसा, क्योंकि ये सब रिश्तेदार है बोले आपस में। फिर उसके बाद ईयर्स, ईयर पीना, कान की कटोरी, ये कान की जो कटोरी है ऐसी, अपने कान के ऐसे गोल है लेकिन गाय के कान लंबे, खरगोश के कान लंबे, घोड़े के कान लंबे, भैंस के कान लंबे, सबके कान एक जैसे क्यों है, क्योंकि बोले इनमें कहीं ना कहीं एक खून का रिश्ता है, चार्ल्स डार्विन ने कहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सब इसकी औरत है बोले, ये अकेला वाली की, ठीक है। मैं थोड़ा उर्दू वर्ड्स यूज कर रहा, खतरनाक वर्ड्स है। सो ये था बोले यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर, बात समझ में आ रही। कॉमन एंसेस्ट्री किसको बोलते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री यानी ये अकेला एक एंसेस्टर था, ये सेल पूर्वज था, इसी सेल से पूरे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल्स बने, इसी सिंगल सेल से ऑल वैरायटीज पैदा हुई। तो ये क्या हुआ, सबका पापा हुआ, अंडरस्टूड। फिर उसने प्लांट्स के भी बारे में कहा, ये एनिमल्स की बात थी चार्ल्स डार्विन ने, ये एनिमल्स के बारे में कहा, कहानी समझ में आ रही है आपके। फिर उसने प्लांट्स के बारे में भी कहा, इसने कहा शेप ऑफ लीव्स, दुनिया में करोड़ों प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव्स ऐसे शेप के रहते, ऐसे कुछ लीव्स ऐसे रहते हैं लंबे, कुछ लीव्स और थोड़ी डिफरेंट वैरायटी के रहते होंगे, कुछ लीव्स ऐसे रहते होंगे, ऐसे रहते होंगे, कुछ लीव्स और लंबे रहते होंगे डायरेक्ट ऐसे जवार के जैसे, जैसे मेज मकई भुट्टे के ऐसे। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ज्यादातर लीव्स ऐसे पाए जाते दुनिया में प्लांट्स के, तो ज्यादातर लीव्स ऐसे क्यों है, क्योंकि ये जो एनिमल था, इसके ये जो एनिमल्स पैदा हुए, इसके प्लांट्स भी तो पैदा हुए बोले, ये जो थे इन्होंने क्या किया, फिर ये जो एक था इसने ऐसे बहुत सारे पैदा किया, और इसी ने ऐसे वाले एनिमल्स पैदा किया, झाड़ वाले झाड़ प्लांट्स, इसी से प्लांट्स पैदा हुए बोले, ये प्लांट्स है समझो। अब एग्जैक्ट हिस्ट्री तो मुझे भी नहीं मालूम, हो सकता है कि ये एनिमल्स की लाइन में से कोई प्लांट पैदा हो गया होगा। ये क्या था, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये कैसा था, सिंपल मल्टीसेल्यूलर था, सिंपल मल्टी, मैं सिंपल मल्टी लिख रहा, ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर था, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लिकेटेड बॉडी थी इसकी, ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर था, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर था, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई यानी नंबर ऑफ सेल्स बॉडी में बढ़ते गए, बॉडी के फंक्शन, बॉडी पार्ट्स, नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स भी बढ़ते गए, इसके बॉडी में कम पार्ट्स है, इसके बॉडी में ज्यादा पार्ट्स है, इसके बॉडी में और ज्यादा पार्ट्स है, नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स भी बढ़ते गए और बॉडी के डिजाइन भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती गई। हर जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए, कोई लायन बन गया, कोई टाइगर बन गया, कोई काऊ बन गया, हॉर्स बन गया, डॉग बन गया। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि चेंजेस होते गए, चेंजेस हर जनरेशन में होते गए, चेंजेस इन एवरी जनरेशन, चेंजेस इन एवरी जनरेशन। इसके पीछे उसने कहा दो कारण थे बोले चेंजेस होने का, एक नेचुरल सिलेक्शन था वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, और दूसरा म्यूटेशन, ठीक है। तो ज्योग्राफी वगैरह वो स्पीशीज बनने के पीछे ज्योग्राफी का भी रोल था, बिहेवियर का भी रोल था, आइसोलेशन में भी समझाऊंगा आपको। तो चेंजेस इन एवरी जनरेशन होते गए बोले, कोई मैंगो ट्री बन गया बोले, किसी में चेंजेस आ गए। अच्छा आप 9 पास हो, 9 का आप पढ़ चुके हो, कुछ प्लांट जो थे बोले वो थैलोफाइटा थे बोले, याद है थैलोफाइटा, ये 10th की बुक में मत लिखना, ये आपको कहानी क्लियर कराने के लिए मैं आपको 9 का याद दिला रहा हूँ। थैलोफाइटा प्लांट्स कैसे होते हैं,
इसका एग्जांपल क्या है? एल्गी। थैलोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं जिसकी रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीव्स कहाँ है पता ही नहीं चलता। अगर आपने नाइन्थ अच्छे से पढ़े तो आपको मालूम होगा थैलोफाइटा इन्हें जैसे वो टाके वाके में हरियाली आ जाती, मॉस वगैरह आ जाती, किसी के घर में टाके में पानी जमा है बहुत सारा, तो टाके में पता है वो ग्रीन ग्रीन कलर की वेलवेट जैसी लग जाती, ग्रीन वेलवेट, तो वो एल्गी होती है। ठीक है, तो एल्गी क्या है? थैलोफाइटा। उसकी रूट कहाँ है पता नहीं, पूरा ही तो कुशन जैसा रहता हरा हरा ग्रीन कलर का, है ना। हिंदी वाले उसको काई बोलते हैं, मराठी आई थिंक शेवाड़ म्हणतात, शेवाड़, है ना। और तो इस तरह से वो एल्गी आई, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होता, वन जी थी वो। फिर इससे क्या हुआ, थैलोफाइटा में प्रोग्रेस होके क्या बना, ब्रायोफाइटा बना। ब्रायोफाइटा, ये एल्गी कहाँ रहते थे? सिर्फ पानी में। ये प्लांट्स कहाँ रह सकते? सिर्फ थैलोफाइटा पानी में, ओनली वाटर। या आप नाइन पे पढ़े, ब्रायोफाइटा प्लांट्स कहाँ रह सकते? वाटर एज वेल एज वाटर प्लस मॉइस्ट सॉइल, नरम गीली मिट्टी। ठीक है, थैलोफाइटा वाले प्लांट्स को तरक्की हुई तो क्या बने? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में एवोल्यूशन हुआ तो उससे क्या बना? टेरिडोफाइटा। ये नाइन के नाम याद दिला रहा हूँ आपको। और ये प्लांट्स कैसे थे? ये लैंड प्लांट्स थे, यानी ये जमीन पर रहते। अब ये एनिमल्स भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि सबसे पहले दुनिया में अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन कौन से एनिमल्स आए, तो पोलीफेरा आए, फिर कौन से आए, ये नाम याद मत रखो। सीबीएसई बोर्ड में ये नाइन्थ में आके जा चुका है, नाइन्थ सीबीएसई बोर्ड वालों ने नाइन्थ में इसको पढ़ा है कि सबसे पहला फाइलम है पोलीफेरा, सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स आए थे, नॉन कोऑर्डिनेट्स में पोलीफेरा है, फिर पोलीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा है, फिर उसके बाद में प्लेटी हेलमेंथिस है जिसको एस्केलमेंथिस भी कहते हैं, नहीं सॉरी प्लेटी हेलमेंथिस है, उसके बाद निमेटोडा है, निमेटोडा को एस्केलमेंथिस कहते हैं, फिर उसके बाद में एनेलिडा है अर्थवर्म वाला, एनेलिडा के बाद में आता है फाइलम एनेलिडा, आई थिंक उसके बाद एनेलिडा के बाद में आता है एनेलिडा के बाद 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 एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आता है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद में आई थिंक मोलस्का आता है, मोलस्का के बाद में आई थिंक इकाइनोडर्मेटा आता है, इकाइनोडर्मेटा के बाद में फिर आता है हेमिकॉर्डेटा, सेमिकॉर्डेट्स, फिर उसके बाद में चालू होते हैं कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में भी डिफरेंट वराइटीज है, फिर उसमें भी डिफरेंट अलग अलग क्लास है। तो और स्टेट बोर्ड में ये वाली जो चीज़ें, ये जो नाम ले रहा मैं आड़े तेड़े, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, निमेटोडा, ये जो नाम ले रहा हूँ मैं, ये नाम स्टेट बोर्ड में साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 में आए हैं। स्टेट बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर 6 में आए हैं और 9th स्टैंडर्ड में ये नाम जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 9th स्टैंडर्ड में ही आ चुके हैं। तो स्टेट और सीबीएसई दोनों को ये कहने का मतलब समझ लो, मेरा बहुत कंफ्यूज हो तो ना, कहानी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रही, कहानी सुनो क्या है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, उसने कुछ यूनिसेल्युलर को पैदा किया, कुछ मल्टीसेल्युलर को पैदा किया, फिर कुछ मल्टीसेल्युलर वालों ने और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीसेल्युलर पैदा किए, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर तो पैदा किए लेकिन कुछ ज्यादा ही मल्टीसेल्युलर पैदा कर दिए, फिर वो मल्टीसेल्युलर ने उस जैसे पैदा किए लेकिन म्यूटेशन, थोड़ी वैरायटी, नई वैरायटी का एक पैदा कर दिया, फिर वो एक वैरायटी वाले ने दूसरे अपने जैसे पैदा किए लेकिन एक तीसरा नया एक नकित्तर पैदा हो गया, फिर और एक और वैरायटी चेंज हुई। ऐसे प्लांट्स में ये प्लांट्स पैदा हुए, ये थैलोफाइटा प्लांट्स हुए, थैलोफाइटा प्लांट्स ने बहुत सारे दूसरे थैलोफाइटा प्लांट्स को जन्म दिया, लेकिन कुछ कुछ ब्रायोफाइटा वाले प्लांट्स को भी जन्म दे दिया उन्होंने। ब्रायोफाइटा वाले प्लांट्स जमीन पे भी रह सकते थे गीली मिट्टी में और पानी में भी रह सकते थे, ब्रायोफाइटा वाले प्लांट्स ने दूसरे बहुत सारे ब्रायोफाइटा वाले प्लांट्स को जन्म दिया, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स टेरिडोफाइटा बन गए और जमीन पर रहने लगे। ठीक है, इनको पानी की जरूरत, यानी ये पानी में रहने के लिए जरूरी था, थैलोफाइटा बिना पानी के नहीं लग सकते, ब्रायोफाइटा पानी में लगते हैं या तो नदी तालाब के किनारे लगते हैं लेकिन सूखी जमीन में नहीं लगते, टेरिडोफाइटा जो है ओनली ड्राई लैंड है उसमें भी लग जाते, जमीन के अंदर रूट्स इनकी पानी खींच के ला लेती थी, इनमें रूट्स होती ही नहीं थी थैलोफाइटा में, इनमें रूट्स
जैसा स्ट्रक्चर होता था, बारीक बारीक मुच्छी की जैसी रूट्स होती थी, छोटी की छोटी, और टेरिडो फाइटा में लंबी लंबी जटाए लटाए जैसी रूट्स इनकी, थोड़ी एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ी बड़ी बड़ी रूट्स होती थी। यानी रूट्स में भी प्रोग्रेस हुआ, सबसे पहले प्लांट्स में रूट्स नहीं थी, फिर दूसरे प्लांट्स जो आए उनमें हल्की हल्की छोटी छोटी रूट्स आई, फिर और जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स आए उनमें थोड़ी बड़ी बड़ी रूट्स आई, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें और रूट्स लंबी होती गई। इस तरह से प्लांट्स की हाइट भी बढ़ती गई और रूट्स भी लंबी होती गई। यानी प्लांट्स में जितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स दुनिया में आज दिखाई दे रहे वो सब किसका नतीजा है? ये यूनिसेल्यूलर का नतीजा, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने बोला। बात समझ में आ रही? अब इस बात का प्रूफ क्या है कि ये सब प्लांट्स एक ही यूनिसेल्यूलर पूर्वज की औलाद है, एक ही एंसेस्टर की ये जनरेशन है, उसका प्रूफ ये है कि ज्यादातर प्लांट्स के लीव्स ऐसे दिखाई देते, बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स ऐसे है। तो जिन प्लांट्स के लीव्स ऐसे है वो सगे संबंधी सगे रिश्तेदार है, जिनके ऐसे है वो थोड़े दूर के चाचा मामा के रिश्तेदार है, वो जिनके लीव्स ऐसे है वो काका के काका के काका के रिश्तेदार है। यानी शेप ऑफ द लीव्स, लीफ वेनेशन का मतलब क्या है? पत्तों पे जो वेन्स बनी रहती है ऐसी, कुछ पत्तों पे ऐसी बनी रहती है डिजाइन ऐसी वाली, इसमें पानी ट्रांसफर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और कुछ कुछ में देखो आप जवार का जवार जवारी जिसको बोलते हैं, जवार के लीव्स देखना या मेज मकई भुट्टे के लीव्स देखना, उसके ऊपर सीधी सीधी लाइन बनी होती है, ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। पैरेलल आपको ये 9th स्टैंडर्ड में था, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में डिफरेंशिएट बिटवीन में था, ये पैरेलल वेनेशन है, इसमें पैरेलल लाइंस रहती है ऐसी बनी हुई, और इसमें रेटिक्यूलेट इसमें जाली जैसी बनी हुई रहती है। बात समझ में आ गई? तो उसने कहा दुनिया के इतने सारे प्लांट्स के लीव्स एक जैसे क्यों दिखते हैं? जरूर ये सब प्लांट्स आपस में रिश्तेदार है, थोड़े थोड़े चेंजेस क्यों है? क्योंकि बोले ये हर जनरेशन में ये एकदम सगे रिश्तेदार नहीं, बोले कि एकदम से सब पैदा नहीं हुए, बोले ये हर जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस आए उस वजह से हुआ। और चेंजेस क्यों आते? तो उसके पीछे भी चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताया, और उसने बताया कि ज्योग्राफी की वजह से भी चेंजेस आते हैं, बोले बिहेवियर की वजह से भी चेंजेस आते हैं, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले ये कहानी चार्ल्स डार्विन बोलना क्या चाहता है ये बात समझ लो। समझ में आ गया? पूरे प्लांट्स कैसे पैदा हुए? एक ही प्लांट एक ही सेल से पैदा हुए। पूरे एनिमल्स कैसे पैदा हुए? एक ही से। तो देखो प्लांट्स का खानदान इधर आगे बढ़ रहा है, इधर एनिमल्स का खानदान आगे बढ़ रहा है। तो आपस में देखा जाए तो ये प्लांट्स और ये एनिमल्स आपस में रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे ये प्लांट्स के और एनिमल्स के सबके पूर्वज जाके कहां मिल रहे हैं? ये यूनिसेल्युलर एक सेल जो था, बोले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये सबका माँ बाप है, बोले सबकी माँ ये है, बोले इसी से सब पैदा हुए, बोले। तो इसलिए झाड़ पेड़ भी अगर कोई आम का पेड़ नीम का पेड़ दिखे रास्ते में तो उसे गले लगा लिया करो, कहीं ना कहीं वो भी आपका रिश्तेदार है ना। रास्ते में अगर आपको कोई कुत्ता बिल्ली दिखे तो उसका भी लाड़ प्यार कर लिया करो, क्योंकि वो भी आपका रिश्तेदार है। गूगल पे से उसको भी थोड़ा पैसा वैसा ट्रांसफर कर दिया करो, ईद आएगी तो उसको भी थोड़ा ईदी के पैसे दे देना, क्योंकि वो भी तो आपका रिश्तेदार है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन। कहानी समझ रहे हो? चार्ल्स डार्विन ने कहा सब रिश्तेदार है क्योंकि इनका पूर्वज कॉमन है। ठीक है, ये कहानी क्लियर होगी, हटाओ इसको, अब दूसरे आगे की कहानी समझाओ। हाँ, वेरी गुड। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछना। नंबर टू का नाम है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी, एनाटॉमिकल एविडेंस। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स किसको कहते हैं? तो होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब है दोज बॉडी ऑर्गन्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, बट फंक्शनली डिफरेंट। समझाता हूं, आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। Those body organs which are structurally similar but functionally different are called homologous organs.
मतलब इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बोन्स का स्ट्रक्चर, हड्डियों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन इनका फंक्शन अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मिनट, ये देखिए, दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स, मतलब फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, ह्यूमन। फ्रॉग के जॉइंट देखिए, मैंने नंबर वन लिखा फ्रॉग के जॉइंट पर, नंबर टू लिखा, नंबर थ्री, जॉइंट वन, जॉइंट टू, जॉइंट थ्री और फिर पंजा। लिजर्ड में भी देखो, ऊपर जॉइंट, 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 पंजा। फिर बर्ड में भी देखो, जॉइंट सबसे ऊपर, जॉइंट, 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 पंजा। ह्यूमन बींग्स में भी देखो, जॉइंट, 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 पंजा। जॉइंट मतलब यहाँ देखो, ह्यूमन बींग्स में ये जॉइंट, यहाँ पर एक जॉइंट है और ये एक जॉइंट है थर्ड, और फिर ये पंजा आ गया, ठीक है। इसमें भी ऊपर एक जॉइंट, यहाँ जॉइंट, यहाँ जॉइंट और फिर पंजा। सबके यानी फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, ह्यूमन, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, ह्यूमन, इनमें बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है, बोन्स का स्ट्रक्चर सब में सेम है, लेकिन ये देखो नीचे लिखा है होमोलोगस ऑर्गन्स, बोन्स का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या है? फ्रॉग अपने पैर किस लिए यूज़ करता है, लिजर्ड अपने पैर क्यों यूज़ करती, बर्ड्स अपने हाथ कैसे यूज़ करते, और ह्यूमन बींग्स के हाथ का यूज़ अलग है। इसी तरह व्हेल के भी दिखा सकते हैं। तो ये सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ये फिजिकली मतलब इनका बोन स्ट्रक्चर अलग होता है और फंक्शन, वो सॉरी, बोन स्ट्रक्चर एक जैसा होता है लेकिन फंक्शंस अलग होते हैं, ठीक है। इनकी लिस्ट मैंने जो आपको फ्रॉग का, लिजर्ड का, ह्यूमन बींग वगैरह का जो दिखाया है बोन्स का स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ही सिमिलर, ऐसा ही स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? तो ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर पाया जाता है व्हेल में भी। लेकिन देखो, व्हेल क्या काम कर रही, व्हेल की जो हड्डियां है ऐसी जो बनी हुई है, वो कहाँ काम में आ रही, स्विमिंग के काम आ रही, फ्रॉग की जंपिंग के काम में आ रही, ह्यूमन बींग्स के हाथ का के काम में आते, वेट कैरी करने, वजन उठाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और खाना खाने के काम में आते हैं, इस तरह से बहुत सारे, सबका बोन्स का स्ट्रक्चर एक जैसा है, हड्डियों का जॉइंट, जॉइंट, पंजा, जॉइंट, जॉइंट, पंजा कैसा है उनका, याद रखना, एग्जाम में मत लिखना ये सब, नहीं तो बहुत जॉइंट, जॉइंट, पंजा लिखेंगे और टीचर बोलेंगे पंजा क्यों लिख रहे, कमल क्यों नहीं लिख रहे, जॉइंट, 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 पंजा है ना, किस किस में, सॉरी फ्रॉग में, लिजर्ड में, और किसका लिखा मैंने, बर्ड, बर्ड में और ह्यूमन में। और व्हेल का भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही रहता है, व्हेल का, इवन हॉर्स का भी ऐसा ही रहता है, तो ये सब एक जैसा, और इवन बुल का भी ऐसा ही, बैल का, तो इनका सबका ऐसे ही है। जॉइंट यहाँ देखो अपने बॉडी में कैसा, यहाँ शोल्डर जॉइंट, पहला जॉइंट शोल्डर, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, पंजा, तो इन सब में ऐसे ही रहता है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड पंजा, तो इनमें भी वही रहता, शोल्डर, एल्बो, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पंजा, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पंजा, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पंजा, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पंजा, सब में हड्डियाँ ऐसे ही है, यहाँ एक हड्डी है, यहाँ दो हड्डियाँ है, यहाँ पंजा है, फिर पंजे की हड्डियाँ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट। ये हॉर्स अपने हड्डियाँ क्यों, काय के काम में लाता है, दौड़ने के काम में लाता है, ठीक है। बैल अपनी हड्डियाँ किस काम में लाता है, दौड़ने के काम में लाता है। ह्यूमन बींग्स वजन कैरी करने के, खाना खाने के काम में लाते हैं। बर्ड्स उड़ने के लिए यूज करते हैं। फ्रॉग जंप करने के लिए यूज करता है। तो इनके सबके फंक्शंस अलग है, वही हड्डियां है एक जैसी, लेकिन किसी ने कहा, यानी चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, ये सब के मम्मी पापा एक ही थे, बोले ये वाले, और इन्होंने हड्डियां भी सबको एक जैसी, ये मम्मी पापा एकदम डायरेक्ट इससे पैदा नहीं हुए, कंफ्यूजन मत रखना। ऐसा नहीं है कि ये यूनिसेल्यूलर ने एकदम से फ्रॉग को जन्म दे के फेंक दिया और लिजर्ड को फेंक दिया और बर्ड और ह्यूमन बींग और इसी से एकदम से पैदा हो गए। हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ और एक जनरेशन में फ्रॉग पैदा हो गया, फिर अगली जनरेशन में देखे तो फ्रॉग में चेंजेस आ गए, फिर और एक एनिमल में चेंजेस आ गए, ऐसा उसने कहा। मैं वो भी समझाता आपको कौन से एनिमल से काय में चेंज आ गया, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि मेरे दोस्त ने जब कि जमीन जाके खोदा, गड्ढा खोदा, पता नहीं उसको कितनी फुर्सत थी खोदने की, तो सबसे नीचे की लेयर में जब गड्ढा खोदा, बोले उसने तो हाँ स्टार फिश का स्केलेटन दिखा। वो मैं आपको पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस में समझाऊंगा, अभी नहीं समझाता हूँ। सी, तो ये बात समझ में आ गई। तो दूसरे होते हैं
analogous organs. Analogous organs. ये homologous organs के बारे में समझे क्या? सबकी हड्डियों के joint 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 पंजा क्यों है? क्योंकि सब इन सब एनिमल्स को पैदा करने वाला, इन सब एनिमल्स को जन्म देने वाला जो एनिमल था, बोले वो अल्टीमेटली वो एक ही एनिमल था। इनमें सिमिलैरिटीज कितनी है? फ्रॉग में, लिजर्ड में, बर्ड में, अगर आप रास्ते में एक लाइन से आपके सामने खड़े कर दिए और बोले भी इनमें सिमिलैरिटीज कितनी है, तो आपको बहुत कम सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी। बहुत कम सिमिलैरिटीज क्यों दिख रही? क्योंकि बहुत दूर दूर के रिश्तेदार है ना, मेंढक, लिजर्ड, बर्ड, ह्यूमन बीइंग, व्हेल, हॉर्स, बैल, ये सब दूर दूर के रिश्तेदार है, तो इसलिए इनमें सिमिलैरिटीज कम है। लेकिन फिर भी सिमिलैरिटी तो है, पंजे के स्ट्रक्चर में, हड्डियों के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, तो है, तो ये सिमिलैरिटी बता रही है कि ये रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार है और ये एक ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की औलाद है, उसी की जनरेशन में ये पैदा हुए है, सिमिलैरिटी ये बता रही है। और डिफरेंसेस क्या बता रहे? बोले किसी ने पानी में जाके तैरना पसंद किया, किसी ने हवा में उड़ना पसंद किया, किसी ने दीवार पे चिपकना पसंद किया, किसी ने छलांग मारना पसंद किया, किसी ने दौड़ना पसंद किया, किसी ने वजन उठाना पसंद किया, तो सब ने अपनी अपनी पसंद के कारण सबके बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस हो गए बोले, लेकिन फिर भी सबकी हड्डियां एक जैसी है क्योंकि इनका पूर्वज, इनका एंसेस्टर वो एक ही था बोले। समझ रहे? एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये उल्टी डेफिनेशन है। Those organs which are functionally similar but structurally different functionally similar but structurally different। एग्जाम्पल क्या है? विंग ऑफ अ बर्ड या बैट बोल देते, एंड विंग ऑफ अ फ्लाई। अब मक्खी का भी पंख होता है, कभी आपने मक्खी देखे अच्छे से? मक्खी के पंख को देखोगे ना तो ऐसा लगता है पॉलीथिन पन्नी को काट के छोटा सा पंख बनाया हुआ है। इट इज जस्ट द फोल्ड ऑफ अ मेम्ब्रेन, इट इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। मक्खी का पंख कितना सिंपल होता है और बर्ड का पंख कैसा होता है? किसी पक्षी के पंख को देखो तो उसमें फेदर्स लगे रहते हैं, पंखुड़ियां लगी हुई रहती है ना, और उसमें कार्टिलेज भी होता है, नरम वाली हड्डियां भी होती है। कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स, ये आप 9th में पढ़ चुके हो टिश्यूज वाले में। सॉफ्ट बोन्स जैसे देखो कान में, ये नरम नरम हड्डी है, ये नाक की हड्डी नरम नरम है, ये ट्रैकिया की हड्डी नरम है, तो सॉफ्ट बोन्स का आर कॉल्ड कार्टिलेज। तो इन्होंने क्या कहा, हड्डियों जो बर्ड्स होते हैं उनके पंख में कार्टिलेज भी होता है, मांस भी लगा होता है पंख में, और उसके अलावा फेदर्स भी होते हैं, पंखुड़ियां भी होती है। फेदर्स पता है ना, पक्षियों के पंखुड़ी खींच खींच के निकाल सकते हैं, जिससे पुराने जमाने के लोग वो लिखते थे, पेन बनाते थे जिसको, ठीक है। तो ये एनाटॉमिकल, ये इससे क्या पता चलता बोले, देखो इनका स्ट्रक्चर अलग है, दिखने में ये मक्खी का पंख कितना अलग दिखता है और बर्ड का या बैट का, चमगादड़ का पंख कितना अलग दिखाई देता है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? उड़ने का है, क्योंकि दोनों उड़ने वाले एनिमल्स पैदा हुए थे। तो ये एनाटॉमिकल एविडेंस भी क्या साबित कर रहा है? एनाटॉमिकल एविडेंस भी साबित कर रहा है, ये भी प्रूव कर रहा है कि भले इनमें ये कितने भी डिफरेंट दिख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी जरूर है, और ये सिमिलैरिटी ये साबित करती है कि जरूर इनका, इनकी माँ, इनको जन्म देने वाली कहीं ना कहीं दूर दूर जाकर एक सिंगल ही माँ की ये सब औलाद है ना। भले इनमें सिमिलैरिटीज कम है, सिमिलैरिटीज कम होने का रीजन ये है कि दो सगे भाई एक जैसे दिखेंगे या एक चाचा का बेटा और एक मामा का बेटा एक जैसा दिखेगा, सगे भाई, तो जो जितने जिसके जितने पापा करीब होंगे, एक ही पापा के औलाद है तो एक जैसे दिखेंगे, और पापा और चाचा की औलाद है तो थोड़ी डिफरेंट दिखेंगी, पापा और मामा की औलाद है तो और ज्यादा डिफरेंट दिखेंगी, है ना, दादा के दादा की और पापा के चाचा के चाचा की, नाना के नाना की औलाद है तो और ज्यादा डिफरेंट दिखेंगी। तो जितनी रिश्तेदारी दूर दूर फैलती है उतने डिफरेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो ये जो गाय भैंस वगैरह दिख रही इतने अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे? क्योंकि इनकी रिश्तेदारी बहुत फैलती गई, डिफरेंट 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 है, तो ये एकदम सगे रिश्तेदार नहीं है, चाचा के मामा के काका के दूर दूर इनकी रिश्तेदारी फैल गई, लेकिन आए सब कहाँ से? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो
चार्ल्स डार्विन ने कहा कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एक ही सेल से पैदा हुए। ये उसी को प्रूव करने के लिए उसने कॉमन एंसेस्ट्री प्रूव करने के लिए ये सेकंड प्रूफ दिया। ये प्रूफ एक पहला था, ये सेकंड प्रूफ था। थर्ड वाला जो प्रूफ है वो और भी अजीब होगा कि चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि एक एनिमल से दूसरा एनिमल बन सकता है, एक एनिमल से दूसरा एनिमल बन सकता है, तो उसने ऐसा क्यों कहा? तो वो थर्ड वाला, हम इसको थर्ड वाले को पढ़ेंगे, थर्ड एविडेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि लेक्चर में हमारा बहुत लंबा ना हो जाए।